हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली हमारा एनपीओ चैप्टर जिसके हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, साथ ही इसकी डेफिनेशन क्या है और इसकी फीचर्स क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है विकास शर्मा और आप देख रहे हैं अकाउंट्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है हमारा, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या होती है। जनरली मैं आपको बता दूं, हमारी इकोनॉमी में या कह लो हमारे आसपास जो फर्में पाई जाती हैं वो दो तरह की फर्म होती हैं। एक फर्म वो होती हैं जो किसके लिए काम कर रही हैं, प्रॉफिट के लिए काम कर रही हैं, जितनी भी अपने कंपनियों के नाम सुनेंगे वो। और कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं जिनका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, नॉन प्रॉफिट है। नॉन प्रॉफिट मतलब उनका काम है लोगों को सोसाइटी में सर्विसेज देना, ना कि प्रॉफिट कमाना। ये हम बात कर रहे हैं किसके, एज अ बुक की लैंग्वेज के हिसाब से, बट इन रियलिटी इन कहीं ना कहीं ये भी प्रॉफिट कमाने का काम करती हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए आप स्कूल जो कि प्राइवेट स्कूल हो गए या गवर्नमेंट स्कूल हो गए, प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वो एक एनपीओ है जिसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन आप अच्छे जानते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉफिट कमाया जाता है। हॉस्पिटल आपकी नज़र में हो सकता है कि क्या हो सकता है कि प्रॉफिट नहीं कमाते, वो सर्विस देते हैं, बट आपको ही पता है प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं ना कहीं पैसे कमाना चाहते हैं। चलिए कोई नहीं, ये मुद्दा अलग है, लेकिन हमें टॉपिक पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़नी है। तो अकाउंट्स के नज़र में पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। तो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आर सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव होता है फर्दर कल्चरल एक्टिविटी के लिए, एजुकेशनल, हेल्थ, रिलीजियस, पब्लिक सर्विसेज। ये है ना, अपनी सर्विस देते हैं कैसे, किस तरह की, कल्चरल, एजुकेशनल, हेल्थ एक्सेट्रा, किसको, या तो पब्लिक को या अपने मेंबर्स को। मतलब क्या है कि मान लीजिए हमारे पास 100 लोग हैं और हर कोई पे करता है 100,000 रुपीज, तो टोटल हमारे पास इकट्ठे होंगे 1,00,000 रुपये। अब इस 1,00,000 रुपये से ये अपने मेंबर की, ये अपने मेंबर्स की या पब्लिक की हेल्प करेंगे। एग्जाम्पल के लिए आप और मैं और कई सारे लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि हम 100 लोग मिलकर 1,000-1,000 रुपये कंट्रीब्यूट करेंगे, या इसको पोज़ लीजिए कि 1,000 लोग हैं और कंट्रीब्यूट कितना करेंगे, 100 रुपये कंट्रीब्यूट करेंगे, टोटल इकट्ठे कितने हो जाएंगे, 1,00,000 रुपये। और हम उन लोगों को फ्री में बुक्स अवेलेबल कराएंगे, कॉपी अवेलेबल कराएंगे, जो लोग इसको परचेज नहीं कर पाते, मीन्स बहुत ही पुअर। तो कहीं ना कहीं आप और मैं एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर रहे हैं जिसका जो काम है वो आने वाले टाइम पर लोगों को एजुकेशन से रिलेटेड इक्विपमेंट प्रोवाइड करना होगा, ठीक है। इसमें हमारा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा प्रॉफिट मेकिंग का, ठीक है। तो एक तरह से हमने क्या खोली, एनपीओ खोल ली, नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो समझ आ गया डेफिनेशन की एनपीओ क्या होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। अब समझ लेते हैं कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उसकी फीचर्स क्या होती है। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है एंटिटी, एंटिटी है ये, देखिए जो आपकी फर्म होती है वो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, मीन्स इसको चालू तो किया है कुछ इंडिविजुअल या ग्रुप ने, इंडिविजुअल ने, लेकिन ये किसी कोई इसका मालिक नहीं होता। ये अपने में क्या होती है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है जिसके पास अपने ही कुछ अधिकार होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ पर्पस, पर्पस का मतलब यहाँ पर आ गया इनका ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव बता दिया, यहाँ पर इनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, अपनी सोसाइटी को सर्विस देना होता है इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, कल्चरल, रिलीजियस, इन सेक्टर, इन चीज़ों में, ठीक है। तो आपने सुना होगा रामदेव बाबा की एक क्या है, ट्रस्ट है। तो वो जो ट्रस्ट है वो जितना भी काम करती है वो अपने आप को ऐसा बिजनेस में नहीं कहलाते हैं, वो ऐसा अपने आप को किस में लेके आ जाते हैं, एनपीओ के अंदर लेके आ जाते हैं। आपने जितने भी स्कूल देखेंगे प्राइवेट, वो सारे किसके अंदर आते हैं, हमारी नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो पर्पस क्या होता है एनपीओ का, सर्विस देना, ना कि प्रॉफिट कमाना। नेक्स्ट ऑनरशिप, जो एनपीओ होता है ना उसका कोई ओनर नहीं होता। जैसे कोई कंपनी होती है या कोई सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, उसका मालिक ए बी सी हो सकता है, बट यहाँ पर एनपीओ का कोई मालिक नहीं होता। इसे किसी इंडिविजुअल ने या ग्रुप ने स्टार्ट किया होता है, बट इसका कोई हेड नहीं होता, क्योंकि एक सोसाइटी द्वारा चलाया जाता है, सोसाइटी मतलब कुछ लोगों द्वारा चलाया जाता है लोगों की हेल्प करने के लिए, तो इसका कोई ओनर नहीं होता। प्रॉफिट इज नॉट ऑब्जेक्टिव, मैंने बताया पहले ही आपको, एनपीओ का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो सर्विस मोटिव होता है, मींस लोगों की सेवा करना होता है, वहां पर प्रॉफिट कमाना मोटिव नहीं होता है। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में क्या होता है, यहाँ पर इस एनपीओ के कुछ मेंबरों को हेड बनाया जाता है, हेड का मतलब मैनेजर बनाया जाता है जो इसको ऑपरेट करते हैं,
तो वो उसका मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है, बट जो ओनरशिप रहेगी वो किसके पास रहेगी, एनपीओ के पास ही रहेगी। लास्ट फंड, फंड कहाँ से आता है इनके पास, मतलब आप कोई भी एनपीओ से अगर चलाना है तो हमें क्या चाहिए होगा, पैसा चाहिए होगा, तो इनका जो फंड आता है वो आता है सब्सक्रिप्शन से, डोनेशन से, एंट्रेंस फीस से, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे मैं आपको अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा आपके साथ, ठीक है। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह इन फर्मों को भी ये दिखाना होता है कि इनके पास कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ नहीं खर्च कर रहे हैं, तो इनको अपनी क्या बनानी पड़ती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। तो अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करूँ कि वो कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं जनरली, तो यहाँ पर बेसिकली पहला जो अकाउंट बनता है वो बनता है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब आप ये भी कह सकते हैं आने वाले टाइम में हमें ये बनाने हैं। दूसरा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट अकाउंट बनता है वो बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और तीसरा जो हमें बनाना पड़ता है वो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, बैलेंस शीट, ठीक है। इन तीन चीज़ों को हमारे को बनाना पड़ेगा, और तीन चीज़ों को बनाने के लिए हमें कुछ वर्किंग नोट की भी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना सकते हैं या स्टेटमेंट बना सकते हैं, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। तो ओवरऑल इस चैप्टर में हमारे को ये सब करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको समझ आनी चाहिए इसकी डेफिनेशन क्या है एनपीओ की, उसके बाद आपको समझ आना चाहिए कि इसकी फीचर्स क्या है, जिसमें मैंने आपको यहाँ पर 7 फीचर्स लिख के दिखा दी कि सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, पर्पस सर्विस देना होता है, ऑनर कोई होता नहीं इसका, सोसाइटी के मैनेजर होते हैं इसके, प्रॉफिट इनका अर्निंग नहीं होता, मीन्स प्रॉफिट अर्न करना इनका मोटिव नहीं होता, मैनेजमेंट इनके लोग करते हैं, फंड्स इन्हें डोनेशन सब्सक्रिप्शन के थ्रू आता है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये बनाते हैं ताकि ये बता सके कि जो फंड आया है उनने कहाँ खर्च किया है, ठीक है। और उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो कौन सा होता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, बैलेंस शीट होता है, और वर्क नोट में हमें सब्सक्रिप्शन या कंजम्पशन जो चीज़ें हैं वो बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो बस मैं इतना बता रहा हूँ, अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स की मीनिंग बताऊंगा इनके लिए, जब वो क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद से हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए थैंक यू टाटा एंड बाय बाय।